नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री आफाक आलम गांधी घाट पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा मछलियों के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा गया। आफाक आलम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत लोगों को बिहार में मछली पालन के लिए बढ़ावा देने की जरूरत है, प्रेरित और जागरूक करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में मछली उत्पादन में बिहार अपना एक अलग स्थान बना सके। इसको लेकर सरकार जमीनी स्तर पर कवायद कर रही है और इसी कड़ी में हमने आज गंगा घाट पर आकर मछलियों के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा है, ताकि मछली पालन पूरे बिहार में किया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री आफाक आलम, मछली पालन और 7 निश्चय योजना 2 को लेकर उनके तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है, आपको पहले उनकी पूरी बात। प्रोग्राम था यहाँ पे गंगा में जो है मछली का जो जीरा होता है रेंजिंग, वही डाला गया है। 3.5 लाख अभी डाले हैं और हमारे साथ जो है पशु मत्स्य विभाग के सचिव महोदय भी शामिल हैं और डायरेक्टर साहब भी हैं, डीन साहब भी आए हुए हैं और सब सारे व्यवस्था के साथ आज जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ मछली को डाला गया है रिवर रेंचिंग को, और विस्तार रूप में यहाँ के किसान को भी बताया गया है और सभी पदाधिकारी को भी कहा गया है कि मछली का संरक्षण करना, उसको देखना सब हम लोग का कर्तव्य बनता है। इसी बात को लेकर आज ये प्रोग्राम से जो अभी यहाँ हुआ है और मछली रिवर रेंचिंग मछली जो है डाला गया 3 लाख। बिहार के टाल के इलाकों में मछली पालन को लेकर विशेष मुख्यमंत्री का ये था, इसको लेकर सर विभाग किस तरह से आगे गया? हाँ, सरकार का तो ये स्कीम है कि हमको हर जगह बिहार के सभी जिला में हमको जो है मछली का ये उत्पादन करना है और सभी जगह का हम लोग ये लिए हुए हैं, सभी जिला में हम जो है उसको डलवाएंगे और जहाँ जहाँ भी लोग उसको रोज़गार करते हैं उसको भी रोज़गार दिया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहेगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम करके बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी है। तो जैसा कि आपने उनकी बातों को सुना, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रिवर रैकिंग कार्यक्रम में बुधवार को पटना के गांधी घाट में पूसा मत्स्य कॉलेज से लाए गए हजारों की संख्या में मछलियों के बच्चों को गंगा में बिहार पशु मत्स्य मंत्री मोहम्मद आफाक आलम के द्वारा छोड़ा गया, जहां कृषि विभाग सहित पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मौजूद बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग मंत्री मोहम्मद आफाक आलम ने बताया कि प्रधानमंत्री के नमामि गंगे एवं बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत बिहार में मछली पालन के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेगा, जिसके आने वाले दिनों में बिहार मछली उत्पादन में अपना एक अलग स्थान बनाएगा। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि अभी बिहार में मछली का उत्पादक क्षमता कम है, जिससे अन्य राज्यों से मछलियों का क्रय यहां के किसान करते हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और आने वाले दिनों में मछली उत्पादन बिहार में बढ़ाया जाएगा और लोगों को ताजी मछलियां मिल सकेगी। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य विभाग मंत्री मोहम्मद आफाक आलम ने बताया कि आने वाले दिनों में बिहार में मछली पालन की जो प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिले और दूसरे राज्यों से मछली मंगाने के बजाय बिहार में जल्दी ताजी मछलियां यहां के मछली पालन से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।